मैं संजय अग्रवाल, आज हम लोग मेघदूत भवन में एकत्रित हुए हैं। यहाँ पे अभी जो दिल्ली पोस्ट मास्टर जनरल है मंजू कुमार जी से प्रेस वार्ता हुई है और 9th अक्टूबर 2023 में आज वर्ल्ड पोस्टल डे मना रहे हैं। तो किसी कारणवश जो मंत्री महोदय थे उनका प्रोग्राम स्थगित हो गया, तो इसलिए अभी हमें दिल्ली पोस्ट मास्टर जनरल ने एड्रेस किया। तो इनका जो है, ये आप देख रहे हैं गैलरी मेघदूत भवन में बने हुए, इधर हम आपको दिखा रहे हैं, ये आजकल जो मॉडर्न इनकी पोस्ट ऑफिस वालों की ड्रेस है, डाक खाने की, जो डाकिया बोलते थे किसी ज़माने में। इधर आप देख रहे हैं ये अलग अलग तरह की जो डाक टिकट जारी हुई हैं, इसमें आप देख रहे हैं ये कुछ बिहार का है जो जनरल पोस्ट ऑफिस है, अलग अलग बेंगलोर का है, अलग अलग स्थानों के ये पोस्ट ऑफिस दिखाए गए हैं। ये आप देखेंगे, ये पहले हम लोग जब बच्चे थे आज से 30 साल पहले, तो हर जगह ये एक लाल वाला बॉक्स होता था जिसमें हम डाक डालते थे। उस ज़माने में इंटरनेट नहीं था, तो उसमें सब लोग लेटर लिखते थे, पोस्ट कार्ड होते थे, 5 पैसे 10 पैसे, फिर 8 आने, ऐसे 1 रुपये 5 रुपये की टिकट लगती थी, गांधी जी की टिकट बनती थी, फिर दूसरे और कुछ दिवस पे अलग अलग जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनके यहाँ पे ये पोस्ट ऑफिस मंत्रालय डाक टिकट जारी करता है। तो ये आप पुराना पोस्ट ऑफिस वो देख रहे हैं, लेटर बॉक्स। ये आप एक देख रहे हैं शाही त्रावणकोर का लेटर बॉक्स। ये अगर आप जाएंगे दूसरी जगह, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं ये 1837 का है, इसमें लिखा अक्टूबर 1 द फर्स्ट इंडिया पोस्ट ऑफिस एक्ट वॉज पास्ड। तो इससे रेगुलर पोस्ट ऑफिस इंट्रोड्यूस हुए पूरे भारत में। ये आप देख रहे हैं कि ये कैसे कितने पोस्ट ऑफिस हैं। अभी ये वेइंग मशीन है, देख रहे हैं आप, इस पर वो पार्सल तोलते थे। ये दिखा रहे हैं 150 साल पोस्ट ऑफिस के। तो स्पेशल पोस्टल डाक टिकट जारी हुई है, इसमें आप देख सकते हैं डाकिया भाग रहा है। हम आपको उधर एक मूर्ति पे भी ले जाएंगे, अभी पहले मूर्ति पे ले चलते हैं। हाल में भारत की आज़ादी से पहले ये डाकिया इस तरह से होते थे, लालटेन अपने हाथ में लेके, एक हाथ में भाला होता था क्योंकि उस जंगली जानवर कोई भी उनको हार्म पहुँचा सकता था, तो इसलिए डाकिया ऐसे जाते थे। और इनके पीछे आप देखेंगे वो पार्सल जो डाक है उसके अंदर जो लेटर्स हैं वो पीछे है, जो डाकिये ने पीछे वो रखी हुई है उसके अंदर वो डाक लेके जा रहा है आपकी। तो ये आप देख रहे हैं, ये एक स्टैचू बनी हुई है मेघदूत भवन में। और यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे इधर, तो एक आपको ग्लाइडर दिख रहा है। कल इंडियन एयरफोर्स डे मनाया गया था 8 अक्टूबर को, तो ये ग्लाइडर में भी कुछ हिस्ट्री पोस्ट ऑफिस से झलक रही है, क्योंकि ये लोग भी पहले लोग आदमी ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, बाद में डाक इससे ट्रांसपोर्ट होने लगी। आप यहाँ पे देखेंगे ये शेरशाह सूरी, जो हमारी जीटी रोड बोलते हैं भारत में, ग्रैंड ट्रंक रोड, ये शेरशाह सूरी ने बनाया था पूरे भारत में। तो इसमें दिखाया है कि ये जो हैं, यहाँ से इनको एक इंडिकेशन मिलता था, ये अलग अलग पिलर्स हैं और इनके जो ये डाक लोग लेके जा रहे हैं, तो ये एक पोस्टमैन हैं और ये दूसरे पोस्टमैन, दोनों आपस में घोड़े पे सवार हैं। ये आपको वो देख रहे हैं ग्रैंड ट्रंक रोड का उनका शेरशाह सूरी की डाक टिकट जारी हुई है, ये 20 पैसे की है, 15वीं शताब्दी में ये रहे। ये आप सब देख पा रहे हैं इधर राइट में जो अलग अलग यूरोपियन आर्मीज़ की डाक टिकट का रिलीज़ हुआ है, पीजन पोस्ट, पहले पीजन पोस्ट बोलते थे कबूतर, जो कबूतर डाक लेके जाता था, तो उसका ये एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ये हमारे ब्रिटिश इंडिया में आधा आना होता था, हाफ आना, उसका ये डाक टिकट है, हाफ आना। ये ऊँट जो कैमल है राजस्थान में, तो ये ऊँट एक डाकघर है, वो ऊँट से आपके घर पे जो चिट्ठी संदेश आता था वो इससे डिलीवर होता था। भारतीय फिल्मों में भी ये गाना बनाया गया था, संदेशे आते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं विश्व के प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं, अल्बर्ट आइंस्टाइन है और अलग अलग लोग हैं इसमें, सेंट थॉमस हैं, 15 पैसे की टिकट है, बर्टन रूसल हैं साइंटिस्ट, उनको सबको दिखाया गया है। ये हेनरी लुइस हैं, ये भारत की एनी बेसेंट हैं, ये एक विदेशी महिला, ये भारत में बस गई थी। तो ये अलग अलग डाक टिकट देख रहे हैं, ये राजा रामन रॉय, ये हमारे विश्व प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद जी हैं, जिनका 1863 से 1902 का जीवन काल रहा और इनको उन्होंने शिकागो में लेक्चर एड्रेस किया था। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो टैगोर घराने से हैं।
इसमें आप अलग अलग देख रहे हैं लोग, इसमें इसमें ऊपर जो देख रहे हैं 15 नए पैसे इंडियन, ये जमशेद जी टाटा हैं जिन्होंने टाटा जमशेदपुर में पूरा टाटा का कारोबार करा है। नीचे आप आएंगे तो ये हमारे जी डी बिरला साहब हैं जो कि उद्योगपति हैं। फिर ये होमी बाबा हैं जो साइंटिस्ट रहे जिन्होंने हमारा एटॉमिक साइंस न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो ये आप सब अलग अलग लोगों को देख रहे हैं। ये सर गंगाराम हैं जो गंगाराम हॉस्पिटल है, ये लाहौर से हैं, इनका वहाँ पे एक चेन था हॉस्पिटल का, फिर ये भारत में लेके आए। ये माइकल एंजेलो का है, ये आप देख रहे हैं जो फेमस आर्टिस्ट हैं, ये आप उनकी पिक्चर देख रहे हैं जो पेंटिंग बनाई गई। ये सबसे ऊपर जो देख रहे हैं आप टिकट, ये डार्क टिकट सैंडलवुड की है जिसमें आप गज हाथी को देख रहे हैं, एलिफेंट। ये पोस्टल टिकट काफ़ी समय पहले जब दयानिधि मारन जी हमारे कम्युनिकेशन मिनिस्टर थे और शकील अहमद साहब मिनिस्टर ऑफ स्टेट थे तब ये जारी हुई थी। इस टिकट में सेंट की खुशबू है, इतर की खुशबू डाली हुई है। आपको जो जर्नी दैट जॉइंस हार्ट्स पोस्ट ऑफिस की जर्नी दिखा रहे हैं। पहले आप वो ऑर्डिनरी लेटर दे रहे हैं, जो नंबर 2 पे आप जा रहे हैं तो लेटर बॉक्स में आप डाल रहे हैं, वहाँ से वो पोस्ट ऑफिस जहाँ जाता है। ये जो वैन देख रहे हैं इसके जरिए पोस्ट ऑफिस की गाड़ी जो लाल गाड़ी बोलते थे, उसके बाद वो सॉर्टिंग हब्स में जा रहा है, फिर वो हवाई जहाज या ट्रेन के द्वारा पार्सल ऑफिस से दूसरी जगह जा रहा है। मान लीजिए आप दिल्ली से बॉम्बे भेज रहे हैं, दिल्ली से कलकत्ता भेज रहे हैं, या कलकत्ता से आपको दिल्ली कोई डाक आनी है, तो फिर आगे में जाके आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि वो डाकिया जो पोस्टमैन है वो आपके घर पर डिलीवर करते हैं डाक। तो ये लोग पोस्टमैन जो हैं वो एक एसेंशियल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है मॉडर्न डे कम्युनिकेशन में भी, जो आजकल कुरियर्स सर्विसेज चालू हो गई हैं, पहले खाली पोस्टमैन होता था। और पहले जैसे हमने बताया पीजन पोस्ट होते थे, कबूतर के ज़रिए होते थे, अब ये पोस्ट ऑफिस वाले आजकल दूसरी सेवाएं भी दे रहे हैं, डिजिटल सर्विसेज में आधार के ऊपर काम कर रहे हैं, नेट बैंकिंग में कर रहे हैं, लोन नहीं दे रहे हैं। बाकी ये जो गर्ल चाइल्ड के लिए, आप अगर बिटिया आपकी 10 साल तक की है तो आप एक उनके लिए स्कीम ले सकते हैं। इंश्योरेंस में भी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस है। ये आपका इनका देख रहे हैं दिल्ली सर्कल का, जो दिल्ली जीपीओ का जो ऑफिस है। और ये अभी आज के दिन जहाँ पे हम लोग अंदर हैं मेघदूत भवन का, ये आप देख रहे हैं, ये गोल्ड डाकखाना है, बहुत पुराना है अंग्रेज़ों के ज़माने का। इसके सामने सेंट कोलंबस स्कूल है, वहाँ पे चर्च है। और ये स्पीड पोस्ट सेवाएं देख रहे हैं आप राइट साइड में। स्पीड पोस्ट में आप कोई भी चीज़ अपने यहाँ पर कुरियर कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही वाजिब कम दाम पर आप अपना लेटर भेज सकते हैं। ये आखिर में हम आपको वो लेटर बॉक्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डाक डालते थे और फिर नीचे बैक साइड से पोस्टमैन सुबह निकालते थे, रोज़ टाइम लिखा रहता था कि कितने बजे क्लियरिंग होती थी उसकी। ये आप दूसरे डाकघर देख रहे हैं, इसमें जैसे इधर देख पा रहे हैं आप, नो क्लियरेंस ऑन संडे, संडे और इतवार को उस दिन छुट्टी होती थी, फिर अगले दिन किस दिन कहाँ निकलेगी ये इन्होंने दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल। ये जो बीच में 70 के दशक में इस टाइप के लेटर बॉक्स बन गए थे, थोड़ा जब मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो आप लोग इधर आइए, ये मेघदूत भवन में अभी 5-6 दिन कार्यक्रम चलेगा, दिल्ली के सभी पोस्ट ऑफिस में चलेगा। तो आप लोग आइए। संजय अग्रवाल, थैंक यू।